दिन में तय चलेगा तय मत किजे अगड़े बाय मत किजे तोनो बज लग जहन आई मैन एनसीसी कैडेट ऑफ थर्ड जेंट के बटालियन एनसीसी बारामला। आज जो हमारे यहाँ पे पर्पज़ है वो है एनसीसी क्यों इम्पॉर्टेंट है एक लड़की के लिए और एक लड़की को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एनसीसी ज्वाइन करने के टाइम। अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो रोल है वो ज़्यादा बॉयज़ का है एनसीसी में, इनको भी कभी कुछ जो वैकेंसीज़ है वो पेंडिंग भी पड़ जाती है, बट जो गर्ल्स की वैकेंसीज़ है वो ऐसे ही रह जाती है, खाली रह जाती है। तो हमारा जो इसमें मोटिव रहेगा वो ये है कि एनसीसी की जो इम्पोर्टेंस है लड़कियों के लिए वो क्या है। तो जो पहला जो एनसीसी है इसका पहला मेन मोटिव है, ये एक इंडियन मिलिट्री कोर्स है, एक नेशनल कैडेट कॉर्प्स है जहाँ पर जिसका मेन मोटिव होता है कि हम हमारे में एक डिसिप्लिन कैसे आए, नेशनल यूनिटी कैसे आए और इंटेग्रिटी कैसे आए। ये एनसीसी के मेन पर्पज़ है। देन जो इसके बाद जो इसका मेन पर्पज़ होता है एनसीसी का वो ये होता है कि हम एक बॉडी को कैसे फॉर्मली शेप करें, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी कैसे बनाए। एनसीसी में हमें वो चीज़ें सिखाई जाती है, इसमें हमें इंडियन मिलिट्री की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो दी जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे जो एनसीसी की मेन सर्टिफिकेट होती है जो ट्रेनिंग के बाद मिलती है एक एनसीसी कैडेट कॉर्प्स को, वो है सी सर्टिफिकेट, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जबकि हम जॉब में जाते हैं, लाइक हम लोग को डिफेंस का जॉब करना है, आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, डिफेंस का कोई भी जॉब है, तो एनसीसी की जो सर्टिफिकेट है उसके अलग पॉइंट्स मिलते हैं हमें। तो इस चीज़ में हमें बहुत ही नीडफुल होती है और इवन हर एक चीज़ पे जो भी डिसीजन मेकिंग होता है एक एनसीसी उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी बनाता है एक पर्सन में। तो अभी हम देखेंगे जो यहाँ पर हमारे अभी कश्मीर में है जो लड़कियों की इसमें अभी ऑर्गेनाइजेशन है, लड़कियाँ जो इसमें आ रही है अभी वो बहुत कम आ रही है, लड़कियों की प्रेजेंस बहुत कम है इसमें, इवन जो वैकेंसीज़ है वो ऐसी ही खाली रह जाती है। तो हम जो चाहते हैं लड़कियों को, पहले पहले हम लोगों को भी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी एनसीसी में आने के लिए, क्योंकि क्या हुआ कि हमारे जो घर वाले होते हैं वो लड़कियों को भेजने से डरते हैं। ये मेन रीज़न है कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही है जिसमें क्या होता है कि एक लड़की को नहीं भेजते हैं एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। बट जितना मैंने देखा, मैंने खुद देखा एक एनसीसी में, एक लड़की जितना अपने घर में सेफ़ फील करती है उससे ज़्यादा एनसीसी में उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, एक सेफ़ फील करती है। एक लड़की जो है वो खुद को एक सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार कर सकती है, आगे जा सकती है वो, इवन लड़कों से वो बहुत कुछ आगे काम कर सकती है। एनसीसी में वो नेवी में भी जा सकती है। इसके बाद जो होता है खासकर एक लड़की के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है हमारी हर एक फील्ड में, हमारी कंट्री ने लड़कियों के लिए अलग वैकेंसीज जो है वो रखी है। तो एक जो लड़की है, एक हम एक पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इस फील्ड में आने के लिए लड़की कुछ अकेले नहीं कर सकती, बिकॉज हम लोग का जो मेन डिपेंड रहता है वो हमारे पेरेंट्स पे रहता है। तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जो हैं अपनी लड़कियों को मोटिवेट करें इस एनसीसी में ज्वाइन करने के लिए, नॉट ओनली लड़कियों को बट बॉयज़ को भी, क्योंकि बहुत सारी कश्मीर में चीज़ें हैं जिसमें बहुत लड़के भी और लड़कियां भी इन्वॉल्व हो रही है, लाइक ड्रग्स है, लड़कियों को छेड़ना या एक दूसरे को छेड़ना या गाली गलौच, ये बहुत सारी चीज़ें जो कश्मीर में हैं वो फैल गई है। तो इसका जो एनसीसी का मेन पर्पज़ है ये एक पर्सनैलिटी हमारी जो है डेवलप करता है, एक पर्सनल स्किल डेवलप करता है। तो हर एक से ये रिक्वेस्ट की जाती है, इवन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपने बच्चों को इस एनसीसी में भेजे, एक पुश करे लड़कियों को, और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो हमें एनसीसी के लिए और भी जो लड़कियां हैं उनकी और भी यू नो फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करे। थैंक यू, जय हिंद।